किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। जीने के लिए हमारी बुनियादी जरूरतें हैं रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। और नीलम, हम रहते हैं कृषि प्रधान देश में और खेती से हमें मिलता है भोजन, साथ ही साथ कपड़ा। कपड़े के लिए बुनना पड़ता है ताना बाना, और ताने बाने के लिए जरूरत होती है धागे की, और धागा मिलता है हमें कपास से। नाम एक गुण अनेक। कपास, भाई नाम तो एक ही है कपास का, लेकिन उससे हमें मिलता है कपड़ा, साथ ही साथ उससे तेल भी मिलता है और हमारे पशुओं को मिलता है पौष्टिक आहार। बिल्कुल। और आजकल मौसम थोड़ा बारिश का शुरू हो गया है, ऐसे में कपास की फसल में कुछ परेशानियां बढ़ जाती हैं, कीट मकोड़ों का खतरा बढ़ जाता है। तो इस नकदी फसल को, जिससे हमारे किसानों को बराबर आय मिलती रहे, नुकसान ना उठाना पड़े, तो क्या करना चाहिए? इन दिनों अधिकतर 30-40% हाइब्रिड कपास लगता है, बाकी 30-40% करीब हिर्सुटम लगता है। इन दिनों अमेरिकन कपास, जो कि करीब करीब नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत या मध्य भारत में लगाई जाती हैं, उसमें एक बहुत तरह के कीड़े मकोड़े का प्रकोप शुरू हो जाता है। अमेरिकन कपास है, इसकी हम जो रुपाई सोइंग जो किए हैं करीब मई के आखिरी सप्ताह में किए हैं, 20-21 मई के आसपास, ये हमारा 30-35 दिन पुराना कपास का फसल हो गया है। इन दिनों किसान भाइयों को सबसे सचेत रहने की ज़रूरत है। इसमें क्लाउडी मौसम है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है, ये बहुत बढ़िया मौसम है कीड़ों के बहुत तगड़ा प्रकोप होने का। इसमें सकिंग चूसने वाले ग्रुप के कीड़े लगते हैं, जो चार तरह के होते हैं। पहला तेला, दूसरा जैसिड बोलते हैं, तीसरा सफ़ेद मक्खी, और चौथा थ्रिप्स होता है, जो पतले होते हैं। इन चारों में शुरू में सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई और जैसिड आना शुरू हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे पत्तियों पर आ चुका है और पत्ती के निचले सतह पर इनका प्रकोप होता है। जैसिड जो है, उसके जो निम्फ होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो हानिकारक होते हैं और पत्तियों का रस चूस करके उनको कमज़ोर बना देते हैं, और इसका परिणाम स्वरूप पौधा कमज़ोर होने से उस पर कोई तरह का डोडा नहीं लगता है, कोई फल नहीं लगता है, कोई फूल नहीं आता, वो बेकार हो जाता है। सफ़ेद मक्खी का जो नुकसान है शायद दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसके जो चूसने वाले होते हैं बड़े छोटे और चिपके होते हैं पत्तियों के पीछे, लेकिन जो सफ़ेद मक्खी है, सबसे बड़ा नुकसान ये वायरस रोग फैलाती है, जिसको CLCV कहते हैं। और वो वायरस रोग इतना खतरनाक होता है कि जब इनका रोग फैल जाता है तो पूरा का पूरा पौधा जो है मुरझा सा जाता है, पत्ते जो है कप जैसे सिकुड़ जाते हैं, उनके वेन मोटे हो जाते हैं, उसमें किसी तरह का रिप्रोडक्टिव किसी तरह का फल फूल नहीं आता है, और अल्टीमेटली अंत में जो है हमारा जो है उपज मारा जाता है। तीसरी तरह का थ्रिप्स आते हैं, जो बड़े छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में थ्रिप्स और एफिड्स इसी तरह से पत्तियों के जूस को चूसते हैं और पत्तियों को कमज़ोर बना देते हैं, पत्तियों के जगह जगह धब्बे आते हैं, काले हो जाते हैं और मुरझा कर गिर जाते हैं। ऐसी अवस्था में जब आप देखते हैं किसान भाई, जब आप ये अपने फील्ड, अपने फसल की देखभाल करते हुए जब आप घूमते हैं, और जब ऐसा लगे कि एक या दो निम्फ जैसिड का नज़र आ रहा हो एक पत्ती पर औसतन, तो आप उसको तुरंत कोई न कोई उपचार कीजिए। उसी तरह अगर सफ़ेद मक्खी का 5 या 6 मक्खी नज़र आए एक पत्ते के ऊपर, वो उसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड बोलते हैं और उसका उपचार ज़रूरी हो जाता है। इन दोनों कीड़ों का अगर उपचार करते हैं तो ये स्वाभाविक है कि जो थ्रिप्स और एफिड है वो भी उससे मर जाते हैं। इसके उपचार के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जाने कि कब करना चाहिए, कौन सी दवाई का उपचार करना चाहिए। इसके लिए इमिडाक्लोरोपिड एक बहुत अच्छी दवा है, थायोमेथजाम है, प्राइड है जिसे एस्टामेप्रिड कहते हैं, तीन दवा ऐसी है जिनका हम, जिसको जो दवा उपलब्ध हो उससे कर सकता है। हम एस्टामेप्रिड 1 ग्राम
एक लीटर पानी में घोल करके हम स्प्रे करते हैं। उसी तरह से इमडा क्लोरपीड जो है 1 से 1.5 ml एक लीटर पानी में हम डालते हैं, उसका स्प्रे करते हैं। थायोमेथजाम भी हम 1 ml पर लीटर पानी में डालकर हम उसका स्प्रे करते हैं। इस समय पौधे कब 10 से 12 इंच या 15 इंच का अधिक से अधिक होगे और 1 हेक्टेयर में 200 से 250 लीटर के करीब पानी लगेगा। इसका मतलब है कि 1 हेक्टेयर फसल को उपचारित करने के लिए अगर हमें 200 या 250 ml डालते हैं दवा, हम उसको स्प्रे कर सकते हैं। उसकी हम अच्छी तरह स्प्रे करने के लिए हमारा एक सुझाव है कि शाम के समय स्प्रे किया जाए, जिससे कि अगर मधुमक्खी वगैरह सुबह आती हो खेतों पर तो वो उनका अपना काम करके लौट जाएं, और शाम को जब स्प्रे करें तो उस समय कोई मधुमक्खी वगैरह न रहे। और शाम को स्प्रे करने का मतलब है कि रात भर बहुत अच्छी तरह से कीड़े मकोड़े जो भी बड़ा एक्टिव होते हैं, बड़े वो उत्साहित रहते हैं शाम को, वो सब उनके संदर्भ में आएंगे और मरेंगे। ये जो भी दवा मैं बताया हूँ ये सिस्टमिक है। सिस्टमिक में जैसे आप स्प्रे करते हैं पौधे के ऊपर, पौधा उसको सोख लेता है अपने सिस्टम में और धीरे धीरे प्लांट के पूरे सिस्टम में इनका रस जहर चला जाता है। जब भी कीड़े इसको चूसते हैं वो मर जाते हैं। इनका प्रभाव 14 से 15 दिन 2 हफ्ते के करीब रहता है। अगर आप ये देखें कि 2 हफ्ते के बाद फिर ये कीड़े आना शुरू हो रहे हैं तो एक बार इसका और उपचार करें। ऐसे करने से करीब करीब जुलाई का महीना आपका अंत ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारा जो स्थिति कपास की आएगी करीब 2 फीट 2.5 फीट ऊंची हो जाती है और उसमें रिप्रोडक्टिव स्क्वायर्स फ्लावर्स ये सब आना शुरू होते हैं और फिर नई ग्रुप के कीड़ों का भरमार शुरू हो जाता है। हम आपको बाद में उसके बारे में बताएंगे कि उनको हम किस तरह से उपचारित करें। ऐसी हालात में ये ज़रूरी है कि शुरू शुरू में पौधों पर बहुत ख्याल रखा जाए और जैसे भी ये कीड़े चूसने वाले नज़र आवें समय से पहले हम उसको उपचारित कर दें। ये आवश्यक है कि अगर समय से इसका हम उपचार किए तो पौधा बहुत स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा और उस पर अच्छी तरह से हमारा रिप्रोडक्टिव्स आएगा और फसल काफ़ी अच्छा पैदावार देगा। हर काम के लिए लगानी पड़ती है जुगत, और जुगत से किए हुए काम में समय भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है। भाई अगर हाथ में हो तकनीक, हाथ में हो हुनर, तो हर काम हो जाता है आसान और हर समस्या का होता है समाधान। अगर आपके गांव में ट्रैक्टर बिगड़ जाए, थ्रेशर मशीन काम ना करे, हैंडपम्प पानी ना दे और आटे की चक्की घूमना बंद कर दे या कुछ और मशीन बिगड़ जाए, तो क्या आप शहर का मुंह देखते रहेंगे? अरे नीलम, क्यों देखते रहेंगे शहर का मुंह? अगर हमारे युवा साथी इन तकनीकों का प्रशिक्षण ले लें तो भाई गांव की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हम गांव में रहकर ही कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे बेरोजगार युवा साथियों को मिल जाएगा रोजगार। और गांव का पैसा रहेगा गांव में, मगर इसके लिए हमारे युवा साथियों को सही ढंग से और सही स्थान से प्रशिक्षण लेना होगा। दिल्ली सरकार के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के में हम लोग दिल्ली में 15 ITI और एक एक्सटेंशन सेंटर चला रहे हैं, जहां पर कि ITI लेवल की ट्रेनिंग हम देते हैं यंग बच्चों को, जो कि ट्रेनिंग करके या तो अपना रोज़गार शुरू कर सकें या इंडस्ट्री में जाके रोज़गार प्राप्त कर सकें। इसके अंदर हम लोग विभिन्न तरह के व्यवसाय चलाते हैं जो 1 साल के 2 साल के या 3 साल के होते हैं। इनकी अवधि जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग निर्धारित करती है। इनमें प्रवेश पाने के लिए क्वालिफिकेशन जो है कुछ कोर्सों में 8वीं पास है, कुछ में मेजॉरिटी में जो है 10वीं पास है और 3 या 4 कोर्सों में 12वीं पास होना ज़रूरी है। इसमें कुछ ऐसे कोर्स हैं जिसमें कि साइंस का होना ज़रूरी है 10वीं में और 12वीं में, कुछ में इंग्लिश का स्टेनोग्राफी इंग्लिश में इंग्लिश का नंबर अच्छे होने चाहिए। इनकी आयु सीमा जो है वो 14 से 40 साल तक है को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, और जो ITI सिर्फ लड़कियों के लिए हैं उसमें कोई एज की लिमिट नहीं है। कोई भी जो लड़की है जो 14 साल से ऊपर है एडमिशन ले सकती है।
हमारे इन आईटीआई में से 3 आईटीआई एक्सक्लूसिव लड़कियों के लिए हैं, आईटीआई सिरीफोर्ट, आईटीआई मोरीगेट और आईटीआई तिलक नगर। इसके अलावा जो हस्ताल में एक्सटेंशन सेंटर है वो भी ग्रामीण इलाके की औरतों के लिए है, जहाँ पर कि सारे कोर्स औरतों के लिए चलाए जा रहे हैं। इन सब का एडमिशन 1 जुलाई 2005 से शुरू हो रहा है और 15 जुलाई 2005 को बंद हो जाएगा। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स इन सभी आईटीआई से मिल सकते हैं, जहाँ भी नाम मैंने बताए हैं, जो 15 प्लस 1 16 में से। इनके कुछ नाम मैं मुख्य बताना चाहूँगा, आईटीआई पूसा, आईटीआई सब्जी मंडी पूसा कैंपस में, बीटीसी पूसा, पूसा कैंपस में ही है, आईटीआई जेल रोड तिहाड़ जेल के सामने है, आईटीआई तिलकनगर फॉर वुमेन तिलकनगर मार्केट के अंदर है, आईटीआई जाफरपुर जाफरपुर गांव के पास है, आईटीआई नरेला डीएसएडीसी इंडस्ट्री एरिया नरेला में है, आईटीआई जहांगीरपुरी जहांगीरपुरी बस अड्डे के पास है, आईटीआई शाहदरा विवेक विहार में, आईटीआई नंद नगरी बस डिपो के पास, आईटीआई मालवीय नगर मार्केट में, आईटीआई सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम के पास है। इस तरह से और आईटीआई भी हैं जो कि दिल्ली के हर कोने में हैं। इसके अलावा हमारे 55 जो एफिलिएटेड सेंटर हैं, जो प्राइवेट संस्थाएं चलाती हैं, उनमें भी ये एडमिशन लिया जा सकता है। उसके लिए आपको उनसे ही संपर्क करना पड़ेगा, उन संस्थाओं से, और इनका नाम पूर्व का हमारे प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है और कोर्स भी लिखे हुए हैं कि कौन कौन से कोर्स उनके एफिलिएटेड हमारे से हैं। 8वीं पास के कोर्स जो हैं वो पेंटर है, वायरमैन, शीट मेटल वर्कर, इसके बाद वेल्डर, फाउंड्री मैन, कारपेंटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, कटिंग स्विंग लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए सारे 8वीं पास कोर्स हैं। और 12वीं पास कोर्स जो हैं वो डेस्कटॉप प्रिंटिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और स्टेनोग्राफी कोर्स जो है 12वीं पास के लिए हैं। हमारे यहाँ 3 साल का कोर्स है, सिर्फ एक ही है, वो है टूल एंड डाई का, जो 3 साल कोर्स है, और ये सिर्फ 2 या 3 आईटीआई में है, नंद नगरी आईटीआई में है, शाहदरा आईटीआई में है और पूसा आईटीआई में है। बच्चे के कोर्स सारे 10वीं पास हैं, लेकिन इसमें भी क्वालिफिकेशन जो है साइंस का होना ज़रूरी है, और उसमें उसके आगे प्रोस्पेक्टस में क्लियर लिखा है कि साइंस में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक कुछ कोर्स हैं ज़रूरी है, वो आपको देखना पड़ेगा, जब आप भरते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा कोर्स कहाँ पे। एडमिशन सेंटर जो हैं हमने जो बनाए हैं, एक खिचड़ीपुर बनाया है 3 साल के कोर्स के लिए, 2 साल के लिए बनाया है, 2 साल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए खिचड़ीपुर है। आईटीआई पूसा में जो कोर्स बनाया हमने, उसमें हम फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, पेंटर, वायरमैन, इनके लिए आप वहाँ देंगे। आईटीआई अरब की सराय में आपको 1 साल के इंजीनियरिंग कोर्स जितने हैं, शीट मेटल, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, मैकेनिक, डीजल, वेल्डर, फाउंड्री, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, स्टील फैब्रिकेटर, डेंट फिटिंग, स्प्रे पेंटिंग, कारपेंटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इनके लिए आपको आईटीआई पूसा सेंटर होगा। आईटीआई जेल रोड जो तिहाड़ जेल के सामने है, वहाँ पर आपको अगर 1 ईयर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में एडमिशन लेना है तो आपको फॉर्म वहाँ जमा कराना पड़ेगा। पूरे दिल्ली के एडमिशन वहीं से कंट्रोल होंगे सब आईटीआई के लिए। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो, प्रोसेस कैमरामैन, कमर्शियल आर्ट, बुक बाइंडर, फोटोग्राफर, एम्ब्रॉयडरी, कटिंग स्विंग इत्यादि कोर्स हैं। इन सब कोर्सों के लिए आपको जब वहाँ बुलाया जाएगा तो आपको चॉइस दी जाएगी कि भाई इसमें इतनी सीट अवेलेबल है, आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, जिसके लिए आप एक्सेप्टेंस देंगे उसी में आपका एडमिशन होगा। इसमें बाद में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, ना ही किसी स्टेज पर आपका माइग्रेशन अलाउड है। ये ख्याल करिएगा कि माइग्रेशन बिल्कुल किसी स्टेज पर अलाउड नहीं है। इसके अलावा आपको जब एडमिशन लेते हैं तो 500 रुपया सिक्योरिटी देनी होगी, जो कि आपको जब आप सफलतापूर्वक कोर्स कर लेते हैं तो आपको वापस कर दी जाती है, लेकिन अगर इसमें कोई बीच में नुकसान होता है तो आपकी रिकवरी उसमें से हो जाती है। फीस जो है एससी एसटी ओबीसी के लिए माफ़ है, जनरल कैंडिडेट से 300 रुपया नॉन इंजीनियरिंग कोर्स के लिए और 400 रुपया इंजीनियरिंग कोर्स के लिए जो प्रोस्पेक्टस में लिखी गई है वो ली जाए, हर प्रति माह ली जाती है, लेकिन 6 महीने की एडवांस फीस ली जाती है, तो हर 6 महीने बाद आपको फीस देनी होगी। जब आप कोर्स कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन के लिए आपको जुलाई में एग्ज़ाम होता है पूरे साल के बाद। बीच में हम लोग मेरिट टेस्ट वगैरह करते हैं, जिसमें कि 4% बच्चों को हम लोग मेरिट स्कॉलरशिप देते हैं 160 रुपये के हिसाब से। इसके अलावा एससी एसटी बच्चों को 160 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है पर मंथ, अगर वो सक्सेसफुल ट्रेनिंग करता रहता है तो। अगर वो बीच में छोड़ जाता है तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ये एससी एसटी कमीशन की तरफ से होती है।
एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जिस तरह का ट्रेड है, अगर वो एनसीबीटी का ट्रेड है तो एनसीबीटी सर्टिफिकेट मिलेगा, और एससीबीटी ट्रेड है तो आपको एससीबीटी का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग के दौरान पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को इंडस्ट्री के से पूरा का पूरा नॉलेज दिलवाई जाए, आपको विजिट कराया जाए, वहाँ का वर्किंग सिखाया जाए, ताकि आपको जब काम करना है इंडस्ट्री में जाके, आपको पहले से पता हो कि वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ का वर्किंग कंडीशन क्या है। तो इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल विजिट्स, जो यूजली हम लोग 5 या 6 विजिट ज़रूर कराते हैं इंडस्ट्री में हर एक कोर्स वाले को, ताकि ऑन द स्पॉट आपको एक प्रॉब्लम्स पता लग सकें। हम लोग जो कोर्स चला रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है इंडस्ट्री में, समय समय पर इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं कि हम लोग उसमें पीछे रह जाते हैं, तो हम बकायदा कोर्सेज को रिव्यू करते रहते हैं नेशनल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी, और उसमें जो हमारे कोर्स में कमियाँ पाई जाती हैं उसको हम इम्प्रूव करने अपग्रेड करते हैं। मानसून का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब यह इंतज़ार हुआ ख़त्म। लेकिन कुदरत कहीं है मेहरबान, कहीं पे है नाराज़, कहीं तो है बाढ़ की स्थिति और कहीं पे है सूखा। तो क्यों ना ऐसी बरखा ले आए जो बरसे हर छत हर आंगन, जो धो दे दुख दरिद्रता की धूल, जो खिलाए सुख समृद्धि के फूल, चलो ऐसी बरखा ले आए। बिल्कुल सही बात कही नीलम आपने। विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी खेतीबाड़ी का काम सुचारू रूप से चलता रहे, हमारा उत्पादन निरंतर बढ़ता रहे और हमारे किसान भाइयों की आय बढ़ती रहे, इसके लिए विभिन्न तकनीकों का हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने इजाद किया है। बिल्कुल, एक ऐसी ही कारगर विधि है पॉली हाउस में विषाणु मुक्त फल और सब्जियों की पौध उगाना। किसान भाई जो हैं सब्जियों की बरसात के मौसम में जब पौध तैयार करते हैं तो अनेक समस्याएं आती हैं, और किसान जो हैं इन सब्जियों की स्वस्थ पौध तैयार करने में सक्षम नहीं रहते। इसके कई कारण हैं। एक तो ज़मीन से लगने वाले रोग, जिसको हम बोलते हैं कवक, फंगस, वो काफ़ी मात्रा में इस मौसम में जब बरसात होती है, हवा में नमी ज़्यादा है, तापमान भी ज़्यादा रहता है, वो नुकसान पहुँचाता है। दूसरा जो है, जो सबसे जो महत्वपूर्ण है, वो है विषाणु रोग, जो सबसे जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं बरसात के मौसम के अंदर। और अब किसानों ने क्या हुआ है, पिछले कई सालों में जो ज़मीन से लगने वाले रोग हैं उनकी रोकथाम के उपाय या तो सीख लिए हैं, या जो हैं हम लोगों के पास उसके उपाय हैं, वो हम समय समय पर किसानों को बताते रहते हैं किस प्रकार से वो जो हैं ज़मीन से लगने वाले जो रोग हैं वो कैसे रोक सकते हैं। जैसे गर्मी में वो जो अक्षेत्र जिसमें पौध तैयार करते हैं उसकी गहरी जुताई करें, या सोलराइजेशन, प्लास्टिक की पन्नी लेके जो ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी, उसको जो है उन क्यारियों पर जहाँ पौध तैयार करनी है उसको ढककर महीने भर तक, 15-20 दिन तक उसको जो है अधिक तापमान होने के कारण उन क्यारियों के अंदर, उस ज़मीन के अंदर जो कवक जो है वो मारा जाता है। या फिर बीज उपचार है, बीज उपचार करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बीज की बुआई से पहले क्यारियों में, पौधशाला में, वो भी किसान भाई जो हैं आजकल सीख गए हैं। फिर ज़मीन से उठी हुई क्यारी बनाते हैं किसान भाई बरसात के मौसम में खासकर, ताकि पानी का रुकाव ना हो, और ख़ास करके ऐसे क्षेत्र का चुनाव करते हैं जो झील में ना हो, जहाँ पानी ना रुके, क्योंकि पानी का रुकना ही सबसे ज़्यादा जो है नुकसानदायक होता है ऐसी अवस्था में। फिर इसके बाद भी अगर कवक नुकसान करता है तो किसान भाई जो हैं एक आती है दवा फॉर्मल्डिहाइड, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो है व्यापारिक स्तर पे आती है बाज़ार में, कॉमर्शियल ग्रेड 37% की जो है, उसको लेकर एक लीटर दवाई जो है वो 19 लीटर पानी में डाल के उसका घोल बना सकते हैं, और एक जो है ट्रांसपेरेंट पारदर्शी जो प्लास्टिक आती है वो लें। क्यारियाँ आपने तैयार कर ली, क्यारियों को तैयार करने के बाद जो घोल आपने बनाया वो 5 लीटर घोल, उससे सिंचाई कर दें, ड्रेंचिंग कर दें उन क्यारियों की जहाँ पे वो कवक बाहरी मात्रा में नुकसान पहुँचाने की स्थिति में है। ड्रेंचिंग कर दें, ऊपर से प्लास्टिक ढक दें, और चारों तरफ से जो है हवा का आदान प्रदान रोक दें, एयर टाइट कर दें मिट्टी डाल के उसके ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर। ये स्थिति वो 15-20 दिन तक कर सकते हैं, उसके बाद प्लास्टिक को हटाएँ, और फिर जो है करीब 5 से 7 दिन तक हल्की गुड़ाई करके क्यारियों की, 5 से 7 दिन बाद बुआई करें। एकदम से प्लास्टिक हटा के बुआई नहीं करनी चाहिए, ये किसान कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है आज के दिन वो है विषाणु रोगों की। कौन सी सब्जियों में, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, तो किसान
स्वस्थ पौध तैयार नहीं कर सकते बरसात के मौसम में, खास करके क्योंकि जब खरपतवार उगते हैं बरसात होते ही उनमें कीड़े पैदा होते हैं, और उन कीड़ों में जो हैं एक सबसे जो महत्वपूर्ण कीड़ा या खतरनाक कीड़ा है वो है सफ़ेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई जिसको बोलते हैं, वो जो हैं विषाणु रोग को फैलाने का काम करती है खरपतवारों से आपकी पौध के ऊपर। और पौधशाला की अवस्था में, पौध जब पौधशाला में होती है किसान भाइयों को पता नहीं लगता कि उनकी पौध जो हैं वो विषाणु रोग से ग्रस्त है। ऐसी पौध की जब वो मुख्य खेत में रुपाई करते हैं तो सारे पौधों पर जो है विषाणु रोग के लक्षण दिखाई देते हैं और फिर कोई रोकथाम का उपाय नहीं होता। तो हमारा ये है इसके अंदर उद्देश्य कि किस प्रकार से किसान भाई विषाणु रोग रहित पौध तैयार करें कम लागत की संरक्षित संरचनाएं बना करके। जैसे आप ये नेट हाउस बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कीट अवरोधी नेट हाउस। इसमें सबसे पहले ये ज़रूरी है कि कीट की, कीट अवरोधी नेट की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम सफ़ेद मक्खी के खिलाफ जब छिड़काव करते हैं, क्योंकि सफ़ेद मक्खी की जो बहुतायत होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है अगस्त और सितंबर माह के अंदर, तो ऐसी स्थिति में छिड़काव का भी, कीटनाशियों के छिड़काव का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो उसमें बस एक ही हमारे पास जो है चारा है कि हम ऐसा कोई जो है मैकेनिकल बैरियर अवरोध उत्पन्न करें कि ऐसी जगह पौध तैयार करें जहाँ पर वो सफ़ेद मक्खी ना पहुँच पाए। उसके लिए कीट अवरोधी जो नेट का इस्तेमाल करके सिंपल बहुत कम लागत के नेट हाउस बनाए जा सकते हैं। इसमें नेट की गुणवत्ता की जानकारी ज़रूरी है। नेट 40 मैश का, 40 मैश मतलब एक वर्ग इंच में जो छेद होते हैं वो 40 हों, क्योंकि ये सफ़ेद मक्खी की स्थिति को देख के, आकार को देख के बनाया गया है। अगर हम बड़े छेद रखेंगे तो सफ़ेद मक्खी उसमें जा सकती है या उसके छोटे बच्चे अंदर जा सकते हैं। अगर हम 50 से ज़्यादा छेद रखते हैं, 50 मैश से ज़्यादा जाते हैं, तो हल्की जो धूल है वो उसके छेदों को बंद कर सकती है जिससे हवा का आदान प्रदान रुक सकता है। तो इसमें 40 मैश जो हैं वो बहुत उपयुक्त जो है आकार है, वो नेट लें। नेट जो है यूवी स्टेबलाइज्ड हो, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उसका उस पर असर कम हो, तो आपका नेट 3-4 साल चलेगा। अब आपका फिर आधा इंच का GI पाइप आता है पानी वाला, GI जिस पर जंग नहीं लगता, जंगरोधी अवरोधी जो पाइप, वो लेके उसको बैंड कर लें, मोड़ लें और उसको सरिया के टुकड़ों पे खड़ा कर दें, और एक 50 वर्ग मीटर का इस प्रकार का नेट हाउस बनाने में, कीटरोधी नेट हाउस बनाने में लगभग 3,500 रुपये के लगभग खर्चा आता है। तो किसान जो 2-3 एकड़ 4 एकड़ तक पौध अपनी खेती करते हैं सब्जियों की, उसकी पौध जो हैं ऐसे जो हैं कीट अवरोधी नेट में आराम से उगा सकते हैं, और ऐसे कीट अवरोधी नेट के अंदर बिल्कुल जो है विषाणु रोग रहित वायरस फ्री पौध तैयार करने में सक्षम हो सकते हैं। नेट हाउस बनाने में 2-3 सावधानियां किसान भाई रख सकते हैं। एक तो ऐसे नेट हाउस में 2 दरवाजे होने चाहिए। 2 दरवाजे इसलिए आवश्यक हैं, पहला दरवाज़ा जब आप अंदर जा रहे हैं तो पहला दरवाज़ा खोलने पे जो है दूसरा अंदर वाला दरवाज़ा जब ही खोलें जब पहला दरवाज़ा बंद कर लें, ताकि मान लिया आपके साथ कोई कीड़ा अंदर जाता है तो वो नेट हाउस के अंदर उसका प्रवेश ना हो पाए। दूसरी बात है इसकी ऊंचाई और चौड़ाई वो सीमित है, उसको नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन लंबाई को, क्योंकि नेट हमने जो पाइप लिया GI पाइप वो 20 फिट का है, उसको हमने मोड़ लिया तो उसकी जो चौड़ाई है वो 4 से 4.5 मीटर ही रहेगी, इससे ज़्यादा उसकी चौड़ाई नहीं हो सकती। ऊंचाई 5 से 5.5 फिट रहेगी, हम अंदर जो है उसके घूम सकते हैं, तो वॉकिंग टाइप रहेगा, घूम सकते हैं आराम से। लेकिन लंबाई जो है, आप लंबा कितना ही कर लें ऐसे नेट हाउस को, तो ये नेट हाउस, एक जो खास बात ध्यान रखनी है वो है नेट की जो चौड़ाई होती है वो लगभग 1.25 मीटर या 1.10 मीटर 110 सेंटीमीटर के लगभग होती है। तो हमें नेट को सिलवाना पड़ेगा, या तो जिस कंपनी से आप नेट ले रहे हैं उससे ही सिलवा के मंगवाएं, क्योंकि जो धागा इस्तेमाल होता है वो भी UV स्टेबलाइज होना चाहिए, वरना जहाँ पे सिलाई होती है, हम सामान्य धागे से जब सिलाई करते हैं तो वो उधड़ जाता है, या फिर जो है आप सिलाई करें तो वो धागा जो है UV स्टेबलाइज लें, उसी से सिलाई करें, तो आपका नेट जो है हाउस, आपके पाइप तो 20 साल कहीं नहीं जाने वाले और नेट आपका 3-4 साल चलेगा। फूल गोभी वर्ग की पौध तैयार करते हैं, फूल गोभी की, पत्ता गोभी की, और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई है और थोड़ी सी वो हल्की सी छाया चाहते हैं,
40% मान लिया छाया चाहते हैं, शेडिंग चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसी नेट हाउस के ऊपर, इसी कीटरोधी नेट के ऊपर 40% या 40% का जो है नेट ढका जा सकता है और उस नेट को आवश्यकता अनुसार जो हटाया जा सकता है। इस प्रकार से किसान जो हैं ये लो कॉस्ट कम लागत की कीट अवरोधी नेट हाउस जो बना करके बिल्कुल विषाणु रोग रहित पौध तैयार कर सकते हैं, चाहे वो टमाटर की पौध तैयार करनी हो उनको बरसात के मौसम में, चाहे बैंगन की करनी हो, चाहे मिर्च की करनी हो, चाहे बाद में शिमला मिर्च की करनी हो, या दूसरी सब्जियों की भी पौध अगर उनको तैयार करनी है, इसका जो है कई इस प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है। आंखों के लिए अंजन, दांतों के लिए मंजन और मन के लिए मनोरंजन। धक्के लगोरी आ जागी दबाव मेरी आ जागी दबाव में, चाटी और पकोड़ी वहाँ मिले मंदे भाव में, हम मिले मंदे भाव में, दूध दही का खाना हमारा मजे गुड़ो राम मेरी मजे गुड़ो राम में, दूध दही का खाना हमारा मजे गुड़ो राम मेरी मजे गुड़ो राम में। ओ जो चाहिए सन चीज मंगा दू, घर बैठे तेरे ठाट बना दूरी डट डट के, मेले में आह मेले में आह मेले में घुमा दे पिया मन बटके, मेरा मन बटके, मेरे में घुमा दे पिया मन बटके, मेरा मन बटके। फादा ना अंघाई मेरी फादा ना अंघाई में, खेती और पाड़ का काम में फसाई में, काम में फसाई में, अब का फसल उठन दे गोरी, अब का फसल उठन दे गोरी, कर दूंगा मन चाही मेरी, कर दूंगा मन चाही में, अब का फसल उठन दे गोरी, कर दूंगा मन चाही मेरी, कर दूंगा मन चाही में। ओ हसनी और हमें ले ला दू, साडी जम्फर गैल ला दूरी बेखट के, मेले में ओह मेले में घुमा दे पिया मन बटके, मेरा मन बटके, मेले में घुमा दे पिया मन बटके, मेरा मन बटके। दाम कमा के बेशक मिले जाइए तूरी, बेशक मिले जाइए तू, तेरी बात सच्ची पिया बैठ के समझाइए मन, बैठ के समझाइए तू, दोनों मिलके घूमन जावे हस हस के बतलाइए तूरी, हस हस के बतलाइए, दोनों मिलके घूमन जावे हस हस के बतलाइए तूरी, हस हस के बतलाइए। ओ ब्रह्म पालना घर का गाना खेतों में सुनाना गोरी हट हट के, मेले में आह मेले में आह मेले में घुमा दे पिया मन बटके, मेरा मन बटके, मेले में घुमा दे पिया मन बटके, मेरा मन बटके। ओ बावली क्यों होरी प्यारी, खेतों की कर ले तैयारी राम रटके, मेरे